Hello friends, I am Dr. Vedant Karvir from Globus Gastroenterology Hospital, Mumbai. So friends, today we are going to talk about dysphagia. Dysphagia matlab gale mein khana atakna. So dysphagia ki agar baat kare to hamare yahan pe ek general saying hai ki kisi ka bhi agar khana atakta hai to hame lagta hai ki usko cancer ho gaya ya khane ki nali ka cancer ho gaya. पर ऐसा नहीं है. देर आर मेनी अदर कंडीशंस जिसके अंदर खाना आपके गले में अटक सकता है. तो ऐसी एक कंडीशन है, नंबर वन एक्लेजिया कार्डिया. एक्लेजिया कार्डिया में खाने के नली के निचले हिस्से में जो मसल फाइबर्स होते हैं, जिसमें एक वॉल्व होता है जिसको हम लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर कहते हैं, ये वॉल्व के मसल फाइबर्स जो है काफ़ी टाइट होके वो सिकुड़ जाते हैं एंड उसके वजह से आप जो भी खाना निगलते हो वो वहाँ आके ठहर जाता है, रुक जाता है और आपके फूड पाइप में ही अटका रह जाता है. इसे हम एक्लेजिया कार्डिया कहते हैं और ये कंडीशन हम एंडोस्कोपी पे डायग्नोस कर सकते हैं. एंडोस्कोपी पे डायग्नोस होने के बाद हम इसे डायलेट भी कर सकते हैं एंडोस्कोपी के माध्यम से ही, या कभी कभी इसके लिए हम सर्जरी भी कर सकते हैं, या एक पोएम नाम की एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है उससे हम इसे ठीक कर सकते हैं. So shifting about to the next condition, that is called as esophageal webs. मतलब खाने के नली में webs बन जाते हैं जिसके अंदर एक mucosa का एक छोटी परत बन जाती है, एक ring बन जाती है और ये ring जो है ये आपके खाने के नली को छोटा कर देती है. जब हम endoscopy करते हैं तो ये ring हमें दिखाई पड़ती है और endoscopy के वक्त ही हम इसे endoscope के सहायता से dilate कर सकते हैं या ज़रूरत पड़ने पे इसे बलून डायलेटेशन भी करके या तो सेवरी गिलर डायलेटेशन से भी हम इसे एंडोस्कोपी के माध्यम से डायलेट कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं. तो मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, ट्यूमर्स. ट्यूमर्स इन द इसोफेगस कैन बी ऑफ टू टाइप्स. समटाइम्स ये कैंसरस होते हैं, समटाइम्स ये नॉन कैंसरस होते हैं. ज़्यादा करके हम कैंसरस ट्यूमर्स के ही देखते हैं इसोफेगस में एंड जब ये ट्यूमर्स अगर हमको दिखते हैं तो हम उसी टाइम पे एंडोस्कोपी के वक्त हम उसका सैंपल ले लेते हैं जिसे हम बायोप्सी कहते हैं एंड उसमें वो सही तरीके से डायग्नोस हो सकता है. मूविंग टू द फोर्थ पार्ट, बहुत बार हम एंडोस्कोपी करते हैं जो पेशेंट को खाना अटकता है इनमें एंडोस्कोपी करते हैं एंड एंडोस्कोपी टर्न्स आउट टू बी नॉर्मल. इसे हम मोटिलिटी डिसऑर्डर्स ऑफ द इसोफेगस कहते हैं. मोटिलिटी मतलब मूवमेंट ऑफ द फूड पाइप. अगर आपकी मूवमेंट सही नहीं है, स्लो है या मूवमेंट में स्पाजम्स है जिसको हम स्पास्टिक डिसऑर्डर्स ऑफ द इसोफेगस कहते हैं, सो ऐसे में भी आपको चेस्ट में हार्ट बर्न या कभी कभी खाना अटकने की समस्याएँ आ सकती है. दिस डिसऑर्डर्स जब हम सस्पेक्ट करते हैं, जब हम एंडोस्कोपी में नॉर्मल इसोफेगस या नॉर्मल फूड पाइप दिखता है, देन वी डायग्नोस बाय यूजिंग ए स्पेशल टेस्ट कॉल्ड एज इसोफेजियल मैनोमेट्री, जिससे कि ये कंडीशन सही तरीके से डायग्नोस हो सकते हैं एंड इसे कई हद तक हम ट्रीट भी कर सकते हैं दवाइयों से. मूविंग टू नेक्स्ट कंडीशन इज इट इज़ कॉल्ड एज इओसोनोफिलिक इसोफेजाइटिस. इओसोनोफिलिक इसोफेजाइटिस इसका अर्थ है एलर्जी का प्रभाव जब आपके फूड पाइप पे इसोफेगस पे पड़ता है तो उसके अंदर इओसोनोफिल्स नाम के एक टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो बढ़ जाते हैं एंड इसके कारण आपका खाना अटकने लग जाता है. दिस इज कॉल्ड एज इओसोनोफिलिक इसोफेजाइटिस. इसमें जब हम एंडोस्कोपी करते हैं तो हमको एक टिपिकल रिंग शेप पैटर्न दिखाई पड़ता है इसोफेगस में, फूड पाइप में, और ये पैटर्न का हम जब बायोप्सी सैंपल्स लेते हैं तो उसमें ये सही तरीके से डायग्नोस हो सकता है. दिस इज़ अ ट्रीटेबल कंडीशन एंड अगर हम इनको ऐसे पेशेंट्स को एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस या स्टेरॉइड की दवाई देते हैं तो ये पेशेंट्स ठीक हो सकते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट कंडीशन, लॉट ऑफ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद डिस्फेजिया. सो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लाइक पार्किंसनिज्म, स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये सारी कंडीशंस में आपके ना सिर्फ इसोफेगस की मोटिलिटी का डिसऑर्डर होता है बट आपको स्वेलोइंग डिफ़िकल्टीज भी होते हैं. सो वी शुड डेफिनेटली इवेल्युएट कि क्या पेशेंट्स को ऐसे कोई कंडीशंस है जो डिस्फेजिया पैदा कर रहे हैं. अनदर वेरी रेयरली वी फाइंड अ कंडीशन कॉल्ड एज पोस्ट रेडिएशन स्ट्रिक्चर. मतलब जो अगर किसी को मान लीजिए मुंह का या गले का कोई कैंसर है और उनको रेडिएशन मिल चुका है तो ऐसे वक्त पे रेडिएशन के वजह से फूड पाइप इसोफेगस की लाइनिंग जो है वो सूज जाती है और सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है. इसे हमको एंडोस्कोपी से स्ट्रिक्चर डायलेटेशन बाय बलून डायलेटेशन करके हम ठीक कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स,
इफ़ यू हैव डिफिकल्टीज इन स्वेलोइंग डोंट पैनिक मीट योर नियरेस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड गेट इट डायग्नोस्ड प्रॉपरली. इट इज़ अ रॉन्ग वे टू से दैट अगर आपका खाना अटक रहा है तो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ कैंसर. देर कैन बी मल्टीपल कंडीशंस एंड ऑफकोर्स दे आर ट्रीटेबल कंडीशंस. थैंक यू.